अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पसंदीदा चैनल डेली एनटीएस एंड बीपीएससी जॉब्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अहम तरीन खबर जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो 1 से 15 स्केल के मुलाजमीन के हवाले से है, मगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बढ़ते हैं डिटेल की जानब। लाहौर से खबर है कि 1 से 15 स्केल के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुस्तकिल मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रिंसिपल डॉक्टर सरदार मोहम्मद अलफरीद की मुबारकबाद जनरल अस्पताल। पंजाब हुकूमत की मरवजा पॉलिसी के मुताबिक लाहौर जनरल अस्पताल में काम करने वाले स्केल 1 से 15 के 200 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया है। मुलाजमीन के सरों पर कॉन्ट्रैक्ट की लटकने वाली तलवार ख़त्म होने से इनमें खुशी की लहर दौड़ गई है और उनके चेहरे पर यह खबर सुनने के बाद खिल उठे। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट प्रोफेसर डॉक्टर सरदार मोहम्मद अलफरीद जफर ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुस्तकिल होने वाले स्केल 1 से 4 के 118 जबकि 5 से 15 के 82 मुलाजमीन इसमें शामिल हैं। उन्होंने इन तमाम अफराद को मुबारकबाद देते हुए तवक्को जाहिर किया कि वह अब ज़्यादा लगन दिलचस्पी और मेहनत के साथ काम करेंगे और हुकूमत और आवाम के अतमाद पर पूरा उतरेंगे। प्रोफेसर सरदार मोहम्मद अलफरीद जफर ने कहा कि मुस्तकिल होने वाले इन मुलाजमीन पर खल्के खुदा और दुखी इंसानियत की खिदमत की ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। 200 मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए इनकी तालीमी असनाद और कवायद की तस्दीक की गई है। रेगुलराइजेशन इसके इस अमल से अस्पताल के इंतजामी अमूर इलाज मुआलजा का मयार मजीद बुलंद तर होगा। तरीन अपडेट आपने सुनी, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद की। पसंद आने पर भी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।